Hello students, welcome to Amplifying Physics. If you like my videos, then like, subscribe and press the bell icon. Acha, today we'll start electric field. Acha, electric field bisare mu Coulomb's force padhla alu te batai dithli au thare mane pakebo seta thik achi ki gote charge ta achi q gote charge q achi positive charge gote q achi तो चारिपटे गोटे फिल्ड क्रिएट हो जाए हला गोटे चारिपटे गोटे फिल्ड क्रिएट हो जाए जो फिल्ड रे आ गोटे चार्ज आसिले से ताकु अट्रैक्ट और रिपेल कर अट्रैक्ट और रिपेल करू हला तो सही रीजन टाकु कहंती ए चार्ज रो ए क्यू चार्ज रो इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक अछि बुझा पड़ला है चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अच्छे। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विषय टिके टिके देखियो तो सेटा को हमें केमते डिफाइन करले इट इज द रीजन अराउंड ए चार्ज व्हेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है तुम यू लिखीद है इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट इट इज द रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर अनादर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ठीक अच्छे ये सेकेंड तापर अच्छी सेकेंड बीट ये देखिपर इलेक्ट्रिक फील्ड को आम एक्चुअली केमती कहीपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटे वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार डायरेक्शन अच्छी है सब पॉजिटिव प्लस चार्ज रु बाहर को बाहर आउटवर्ड्स आउटगोइंग आउ नेगेटिव चार्ज को इनवर्ड्स है ठीक अच्छे नेगेटिव चार्ज को इनवर्ड्स आ पॉजिटिव चार्ज को आउटवर्ड्स था इलेक्ट्रिक फील्ड जितेबाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ा से भल कि तुम चेक कर पार ठीक अच्छे है तो से जिनस ये सेकेंड बिट्रे लिखाई है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट ईच पॉइंट रे एसोसिएटेड अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अच्छी से कौन कर ईच पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखाए है देख कैपिटल क्यू चार्ज रो केते हला केते इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ए पॉइंट रे हला तम बाहर कर पारियो हला तो तार फॉर्मूला अच्छे ने बाहर करियो सटा हला तो ईच पॉइंट रे तमे डिटरमाइन कर पारियो कि से इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कोडे आउ ए पॉइंट रे हला ए क्यू चार्ज जो आउ गोटे चार्ज जो आनी थोई देबा ताले ता उपरे मैग्नीट्यूड केते पडुछ बुझा पडुछ आउ गोटे चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को जदि मैं इठा आनी के रखि देबी ताले कोन हबो ए कैपिटल क्यू जो या उपरे केते इलेक्ट्रिक फील्ड तार मैग्नीट्यूड अछि आ तार डायरेक्शन भी देखाउछ ई एपड जबो कि एपड जबो हला फोर्स डायरेक्शन आउ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन समान ठीक अछि तो ये से जिनस लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट इन स्पेस व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म ये चार्जटा जदि कोई फॉर्म थी ताले इलेक्ट्रिक फील्डटा है इन एनी स्पेस से प्रेजेंट थी है ये स्पेस रे देखो ये स्पेस रे से प्रेजेंट अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अच्छे को भी चार्ज रो ये चार्ज रो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एगुड़ाक तार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी तुम देखिपार हला थर्ड बीट देख पार द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल ई कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने ए पॉइंट रे मनकर मु गोटे चार्ज क्यू नॉट रखिदेवी और ए पॉइंट रे गोटे क्यू नॉट चार्ज रखिदेली तले कौन हम या पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथटा थी क्या लगी ए प्लस क्यू जो सेटा तुम बाहर कर पार हला तमाने तार मैग्नीट्यूड भी अच्छी आउ तार डायरेक्शन भी अच्छी प्लस प्लस हेले तार डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रो हला आवे प्लस रो आवे हला माइनस को इन बुझा पड़ छी हला ए टाइप रो तमे जिनस उडा को देखि पारबो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रे ए टाइप रो जिनस उडा को अच्छी हला ठीक अच्छी एई पॉइंट टा टिक मन रखिबो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड रो जो फार्मूला डा छी तमे सेटा को केन बाहर कर पारबो एक्चुअली तमे कूलम्स लॉ टा टिक मन पकेबो कूलम्स लॉटा कौन थी एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर है तो ये देख गोटे चार्ज
प्लस क्यू अच्छी है तार इलेक्ट्रिक फील्ड एटा तार इलेक्ट्रिक फील्ड से मन कर क्यू नॉट चार्ज गोटे रखिले तेल ये दिन भितर फोर्स के मन कर डिस्टेंस स्टार तो ये भितर फोर्स के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एटा मन कर डिस्टेंस आर ठीक अच्छे है तो यहाँ हूँ फोर्स तो ये देख क्यू नॉट ऊपर एटा क्यू नॉट ये क्यू नॉट को छाड़ के बाकी जो टर्म टा रहा से तुम कहपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्यू बाय आर स्क्वायर जो टर्म टा पकेली है यहाँ कौन एटा को तुम एमती भी कहींपर कि कौन से गोटे देख य चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रे गोटे क्यू नॉट चार्ज आसला तो तापर फोर्स के पड़ो उल्टा भी कहींपर बुझिपार मनकर गोटे चार्ज अच्छे मैंने कौन ता चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड थी है मनकर से इलेक्ट्रिक फील्डटा इ तो से इलेक्ट्रिक फील्ड इ जो है क्यू नॉट उपर के फोर्स पड़ा से बाहर कर एफ इक्वल टू इ क्यू है फास्ट देखीद ये दिन भर फोर्स बाहर करदेली ये क्यू नॉट को छाड़ के बाकी जो टर्मटा से के क्यू बाय आर स्क्वायर ता मैंने ये जो फॉर्मूलाटा आसला एफ इज इक्वल टू इ क्यू है तो ये तुम कहींपर कि इ इज इक्वल टू कौन होगा फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर तो यही फॉर्मूला मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गोटे जिनस जान था एक्चुअली देखा गले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडाक अच्छे से सब इमेजिनरी लाइन एड़ा सब कौन इमेजिनरी लाइन यहाँ एक्चुअली सेमती किसी गोटे लाइन न था यहाँ सब जस्ट इमेजिनरी लाइन गुड़ाक है जस्ट इमाजिन करा कि अच्छी बोले एगुड़ाक इमाजिनरी एगुड़ाक रियल रे न था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एगुड़ा सब इमाजिनरी लाइन है तो ये किंतु ये जदि मन कर गोटे चार्ज क्यू अच्छी ये गोटे चार्ज क्यू नॉट अच्छी तो ये दिन भितर तेल जो फोर्स थी सड़ा होती आउ एमती भी कहीपर कि ये जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये क्यू नॉट उपर के फोर्स पड़ थो एफ इक्वल टू इ क्यू ये जितकी इ अच्छी इंटू क्यू आउ तार इ वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर मैंने जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर ये दिन भितर डिस्टेंस जो पड़ी मैंने जो पॉइंट रे तेज इलेक्ट्रिक फील्डटा जानवर अच्छे देखे ये आर इनवर्स प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो यहाँ ये ऊपर एमती आर ओटे भी दे पार बुझा पड़े मैंने तो अल्टीमेटली फाइनाली कह कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेनसीटी जोटा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेनसीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेनसीटी सेटा कौन कौन सी भी गोटे चार्ज क्यू है क्यू जो कौन सी गोटे पॉइंट जोटा कि आर डिस्टेंस अच्छी से पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी केमती बाहर करपरि ये पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यूटा कौन जो चार्ज जो फील्ड ये बाहर कर आर कौन ये भर डिस्टेंस तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला को यूज करके बाहर करपर कि कौन सी गोटे चार्ज जो है एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर ठीक अच्छे पे मुझेपर कि मनकर ये गोटे क्यू चार्ज अच्छी मनकर गोटे क्यू चार्ज अच्छी है ता लगे ये पॉइंट रे जो पॉइंटा हूँ आर डिस्टेंस अच्छी क्यू चार्ज जो आट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेनसीटी है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेनसीटी के क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक अच्छे जदि ये गोटे चार्ज क्यू नॉट आसला है तो यार क्यूर इलेक्ट्रिक फील्ड भितर क्यू नॉट अच्छी है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस विल बी ई क्यू नॉट है यहाँ है से जिनसटा को मुझे भले कि बतईदेली ठीक अच्छे कि क्यू नॉट उपर फोर्स के आसो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भितर अच्छे क्यू नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इ क्यू नॉट इज सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू इ क्यू नॉट जो पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विषय टिके टिके बेसिक आइडिया आ जाइए ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक सब कमी
तुम ड्र करपर है तुम ये नेक्स्ट हेडिंग लिखिदेव शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हला शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम हेडिंग दे दबो शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बुझा पड़ला फास्ट जदि प्लस चार्ज थी तेल मुझे तुमको कही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुड़ाक सब आउटवर्ड्स सरफेस रु बाहर को आस मन रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुड़ाक जो चार्ज सरफेस अच्छी ये चार्ज सरफेस को परपेंडिकुलर था सब हला ये आम प्रॉपर्टी आउ थ पढ़ा हला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक जो चार्ज ये जो चार्ज सरफेस अच्छे मन कर गोटे गोटे सिलिंडर गोटे स्पीयर अच्छे से स्पीयर रे चार्ज तुम देले कौन हम सब चार्ज गुड़ाक कंडक्टिंग सरफेस रहा सरफेस को पल आस भितर किसी चार्ज हो सब तक बाहर को पल आस तो ये जो चार्ज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड सब परपेंडिकुलर रहा हला एटा प्रॉपर्टी आम पढ़ हला तो ये बंका है जाए कि जो एक्चुअली बनेब से परपेंडिकुलर करा कथा कि सब गुड़ाक सरफेस को परपेंडिकुलर रहा जदि परपेंडिकुलर ना तो भूल हला नेगेटिव चार्ज को कौन हम नेगेटिव चार्ज को इनवर्ड्स हला इनवर्ड्स ठीक अच्छे जदि प्लस आ माइनस रहा कमी देखा प्लस माइनस तो प्लस रु बाहर माइनस रे एंटर कर हला सरफेस रु जो चार्ज सरफेस को परपेंडिकुलर है एगुड़ा जहाँ भी परपेंडिकुलर हम देखा जाऊनि कि तुम निजे परपेंडिकुलर बनेबो जदि एक्जाक्टली बनेबो तले ए भले परपेंडिकुलर हवा कथा आ सब प्लस रु माइनस हला सब प्लस रु माइनस जदि सेम चार्ज रहा तेल कौन हम एटा प्लस तमें याड आसपर रिपेल करेंगे आउटवर्ड्स 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 रिपेल कर ठीक अच्छे तो ये देख गोटे गैप क्रिएट हो गला रिपेल कर गोटे गैप क्रिएट हो गला से गैप को कहते नल पॉइंट एन यू एल एल नल पॉइंट माने जदि गोटे थर्ड चार्ज ये क्यू अच्छे क्यू अच्छे जब क्यू नॉट चार्ज क्रिएट रखी तेल तापर किसी भी फोर्स पड़े नल पॉइंट ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना से फोर्स भी हेनी एफ इक्वल टू इ क्यू नॉट इ जीरो होगा ये या भितर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना मानते इलेक्ट्रिक फोर्स भी पड़े हाला या पर नेट फोर्स जीरो तो ये गोटे नल पॉइंट गोटे जब पॉइंट चार्ज रखा तो किसी फोर्स पड़े हाला ये पचरा हुए हाला सेम चार्ज जो पाखु नहीं आसवा ये गोटे नल पॉइंट क्रिएट हो जोटी की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स न थाए आगुड़ाक ठीक अच्छे फोर्स पड़े ये आउ जिन मार्क कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेभर इंटरसेक्ट है इंटरसेक्ट कर सरफेस को सब परपेंडिकुलर थी ठीक अच्छे यहाँ हूँ फोर यह भाया सेप तुम बनई पार है देख आगे ये भाया तापर गोटे कंडक्टर अच्छे ठीक अच्छे यदि प्लस चार्ज कंडक्टर रे प्लस चार्ज अच्छी तेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक सब सरफेस को परपेंडिकुलर माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक सब एमती आस आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर सब सरफेस को आउ प्लस चार्ज रु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक आउटवर्ड्स जो प्लस अच्छे है यहाँ हूँ गोटे कंडक्टिंग प्लेट केस रे ए टाइप रहा ठीक अच्छे आउ गोटे टाइप तुमको बताई दूँ ये मन कर गोटे अच्छी प्लस चार्ज आठ गोटे अच्छे कंडक्टर मेटाल कंडक्टर तेल कौन हो कंडक्टर रे केमती इंडक्शन इंडक्शन हम मन पका इंडक्शन पड़े बतई थी हला केमती इंडक्शन हम एटा प्लस ता माने ता चारिपटे तार ता आड़ जो फेस कर अपोजिट चार्ज होगा यहाँ मानने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग रे किसी चार्ज नाला हला एबे प्लस चार्ज को ये इंड्यूस है नेगेटिव तो एपटे हो पॉजिटिव
है तुम जाच तापर कौन हो प्लस एपटे प्लस अच्छे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर आए है नेगेटिव मैंने सरफेस को परपेंडिकुलर किंतु एमती थी एमती जा सब ये प्लस रु ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ाक जामती भी कहीपर है प्लस रु इन हम ए सॉरी प्लस रु बाहर को बाहर आउ एटा नेगेटिव अच्छे तो ये इन हम एमती कहीपर एमती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गला आठ बाहर है टाइप रिचा सेप तुम देखिपर है जस्ट गोटे रफ्रे बनईदेली है नेक्स्ट हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कि ये जो फील्ड लाइन्स अच्छी से फील्ड लाइन्स गुड़ाकर प्रॉपर्टी कौन अच्छी बुझा पड़ी जे एबे जस्ट गोटे दुटा बतई भी देली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी कौन अच्छी बुझा पड़ा है तो फास्ट प्रॉपर्टी कोटा है तुम आगे देखी दियो मुझे कहीदेवी तर के लिखार अच्छी फास्ट कौन अच्छी कि गोटे प्लस चार्ज अच्छी तमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक बाहर को जब एटा तो जाना अच्छे है यहाँ गोटे प्रपर्टी जाए आउ सरफेस को सब परपेंडिकुलर थी है फास्ट है सेकेंड कौन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेभर इंटरसेक्ट है युवाक के इंटरसेक्ट करेन एमती के इंटरसेक्ट से करते ठीक अच्छे ये जो इंटरसेक्शन है से इंटरसेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें बुझा पड़ी है एमती आहरी गुड़ाक अच्छी आउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक सब प्लस रु माइनस को जीव है यहाँ गोटे प्रॉपर्टी सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्लस रु माइनस है आउ गोटे जिस जान था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो थे अधिक थी से चार्जर हला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अधिक माने गोटे प्लस चार्ज अच्छे जो थ्रु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एतिकटा बाहर ला 1 2 3 4 5 6 आउ गोटे प्लस चार्ज अच्छे जो थ्रु इलेक्ट्रिक फील्ड तीन टा बाहर ला तो एमानंक भितरे को चार्जटा बड़ थियो ये बड़ थियो कहीं बेसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर ता माने एई चार्जटा हला इलेक्ट्रिक फील्डटा अधिक ता माने यार वैल्यूटा चार्जर मैग्नीट्यूडटा अधिक है ठीक अच्छे तो ये टाइप रुम देख ठीक अच्छे पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रॉपर्टी एवं देखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो फास्ट प्रॉपर्टी एवं लिखा स्टार्ट कर तुम्हें है तो ये जिनसा बतई थी पूर्वर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉइंटा लिख ते छोटिया ड्रइंगटा करदे है एबू लिखा स्टार्ट कर पूर्वटा जस्ट बताऊ थी से जिनसा ही नोट केमती करवा से जिनसा इन्हें लिख है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज है बहुत गुड़े एमती पकई पार ठीक अच्छे तार कही इन आबसेन्स अफ नेगेटिव चार्ज इट गोज अप टू इनफाइनाइट जदि खाली पॉजिटिव थी नेगेटिव नाला कौन हम इट गोज टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट जाए जी बुझिपाल सेकेंडटा भी सही भाया आम लिख ठीक अच्छे पे नेक्स्ट सेकेंडटा लिख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेभर इंटरसेक्ट विथ इच अदर है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक आम कर प्लस रु माइनस जाऊला से गुड़ाक इच अदर सहित इंटरसेक्ट करें तुम बतई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक कौन वेक्टर गुड़ाक है मैंने डायरेक्शन अच्छे से पचार कि कहीं कर इंटरसेक्ट कहीं कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेभर इंटरसेक्ट व्हाय है व्हाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेभर इंटरसेक्ट क्वेश्चन पचरा है तुम से कहीपर है जिनसा लिखाई कि तुम देखिपर एट कौन लिखाई है कि मनकर गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एमती अच्छी आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करदे तो आम जानचे यहाँ हूँ E1 एटा हूँ E2 देख तो ये देख ये पॉइंट कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड एपट भी हो पाए इलेक्ट्रिक फील्ड एपट जो इंटरसेक्ट कला देख से इलेक्ट्रिक फील्ड दुटा डायरेक्शन होगा
ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା, ଦେଖ ଏଇଠି ଏପଟେ ହେଲା, ଏପଟେ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏପଟେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଆଇଦର ଏପଟେ ହେବ ଅର୍ ଏପଟେ ହେବ, ହେଲା। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କି ଯଦି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରେଇଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ହେଲା। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସଟା ନେଭର୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ, ହେଲା। ଯଦି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିଛି ଏମିତି ଲେଖିବ, ହେଲା, ଇଫ୍ ଦେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଅର୍ ଇଫ୍ ଦେ ଡୁ ସୋ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍, ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡ୍ରନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଟୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡ୍ରନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ହେଲା। ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଇଜ୍ ମୋର୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜର୍, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ମନେକର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି କ୍ୟୁ, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ବି, ସେ କହୁଛି ଏଇ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଧିକ ହେବ କି ବି ପଏଣ୍ଟରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କେ କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଆର୍ ଯେଉଁ ଅଧିକ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କମିବ, ହେଲା। ଆର୍ ଅଧିକ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ମାନେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସପୋଜ୍ ଇ ବି, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇ ଏ, ଦେଖ ଆର୍ ଏଇଠି ଅଧିକ ତା ମାନେ ଇଏ ଛୋଟ ଇଏ ବଡ଼, ତା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଦାନ୍ ଇ ବି, ଆର୍ ଯାହାର ଅଧିକ ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କମ୍। ବୁଝା ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟା କୁହାହେଇଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟା ଚାର୍ଜର କ୍ଲୋଜ୍ଲେ ଅଧିକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେଇଟା କମ୍, ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଇଜ୍ ମୋର୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇ ଆଉ ଦେଖ ସର୍ଫେସ୍, ଏଇଟା ସର୍ଫେସ୍, ହେଲା, ସର୍ଫେସ୍ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଅଧିକ ହେବ, ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କମ୍, କାହିଁକିନା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବି କହିପାରିବ। ଅର୍ ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏପଟେ ଇଏ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ହେଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ବନେଇଦେବ ତୁମ ଖାତାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ସେମିତି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଇନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ଥ୍ରୁରେ ମନେଥାଉ କିଛି ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବନି, ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇନେ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲା। ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ କିଛି ବି ଚାର୍ଜ ନଥାଏ, କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଥାଆନ୍ତି, ଆଇଦର ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଥାଆନ୍ତି, ଭିତରେ କିଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ, ଦେଖ ଏଇଠି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସର୍ଫେସ୍ରେ ହିଁ ଚାର୍ଜ ଥିବ, କେଉଁ ବି ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ମନେକର ଏଇଠି ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ସବୁ ଇନ୍ ହେବେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ କରିବନି, ହେଲା, ଏମିତି ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା'ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବାହାରେ ଥାଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଉ କି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିବନି, ନୋ ଚାର୍ଜ ନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲା, ହେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାପାସିଟର୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାପାସିଟର୍ସ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ହେଲା, ଚାର୍ଜକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କାପାସିଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ, ମାନେ ତୁମେ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବ, ହେଲା। ସେ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଯେଉଁ ଥର୍ର ହାମର୍ଟା ଦେଖିବ, ସେ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟାକୁ ଟାଣେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ହେଲା। ତାମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ସେଇଟା କାପାସିଟର ବୋଲି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ କାପାସିଟର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର କରିବ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ରଖିପାରିବନି ହେଲା, ଏନର୍ଜି ଆଣିବ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା। ଷ୍ଟୋର କରି ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ ଆଉ ଡିସିପେଟ୍ ବି କରିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଲୋଲି ଡିସିପେଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ କାପାସିଟରଟା ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ଆଣିପାରିବ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାପାସିଟର ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। କାପାସିଟରଟା ବେଶୀ ପାୱାର ଆଣିବ, ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପାୱାର ଆଣିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଡିସିପେଟ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ ହେଲା। ମାନେ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକମ୍ କରିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀର କାପାବିଲିଟି ହେଲା। ଆଉ କାପାସିଟରଟା ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ପଇସା ବେଶୀ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସରିଦେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମନେକର 2Q ହେଲା, ଅର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଚାର୍ଜ ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଜାଣିନି, 1 କୁଲମ୍ କି 2 କୁଲମ୍ କି 3 କୁଲମ୍ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ମନେକର ଏତିକି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଏତିକି ଅଛି। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସରୁ ମୁଁ ଦେଖି କହିପାରିବି କି କାହାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଧିକ ହେବ। ୟାର ଦେଖ ବେଶୀ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ, ତ ୟାର ଯାହା ହେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ୟାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ହେଲା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ୟାର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିବ ଗ୍ରେଟର ଥିବ ହେଲା ୟାର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଲା, କାହିଁକିନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଅଧିକ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାର୍ଜ ହେଲା। କି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏକ୍ସଆଇ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି, ସେ ସର୍ଫେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଫେସ୍କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସବୁବେଳେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଲା। ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ କିଛି କରିପାରିବନି, ମାନେ ତୁମେ କହିବନି ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରିବ, ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କରୁଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଲା। ଏଇଠି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେବ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ହେଲା ସର୍ଫେସ୍କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ନେଭର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ବାଲାଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବି ପଚାରେ ହେଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଫେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କ'ଣ ପାଇଁ, ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା। ମନେକର ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜଟା ହେଲା, ଏ ଚାର୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ହେଲା। ଅର୍ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରଟା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାର୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କେତେ ଚାର୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମନେକର କ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଏଇ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜଟା ଏ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜଟାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ ଆସିପାରିବ କି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ୟାକୁ ମୁଁ କହିବି କି ତୁ ଆସ ବୋଲି, ସେ ଆସିପାରିବ କି ଏପଟେ, ଆସିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏ ଚାର୍ଜଟା ବାହାରି ପାରିବନି ସର୍ଫେସ୍ରୁ, କାହିଁକିନା ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି, ସେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇ ଚାର୍ଜଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ପକାଇଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବନି ହେଲା, କାହିଁକି, କାରଣ ଏଠି ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ସେ ଇଜିଲି ଆସିପାରିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ୱାର୍କ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ତ ଇଜିଲି ଆସିପାରିବନି ହେଲା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବିନା ଫୋର୍ସରେ ଆସିପାରିବନି ହେଲା। ତ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏୟାର ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାୟାର୍ଟେ ଲଗାଇଦେବି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱାୟାର୍ଟେ ଲଗାଇଦେବି, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫଟକିନି ଏଇସବୁ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିରେ ଫ୍ଲୋ କରିକି ପଳାଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କିଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ନାହିଁ ସେ ଏଇଠି ମୁଭ୍ କରିକି ଆସିପାରିବନି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ତ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଫେସ୍କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବି କି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ବାହାରି ପାରିବେନି ଇଜିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବାହାର କଲି, 90 ବାହାର କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବାହାର କଲି ହେଲା, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ନେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ୁଥିଲା 90ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ
एमती सीधा था टाणे चेस्टा करूला एटा सरफेस रहा एटा सरफेस ए सरफेस रु एटा सरफेस ए सरफेस रु एमती 90 टाणे चेस्टा कले हला तो ये किसी मीडियम ही ना एयर मीडियम से इजिली आस पार ना है कि वेयरटे लगे आसो कहीं मीडियम हो तो ये देखे जदि परपेंडिकुलर पकड़े से आसी पारे से सरफेस उपरे रोचे मैंने रेस्ट रोचे चार्जटा है तो चार्ज आट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आम पढ़ुचे देखे कि 90 बदल अलग किसी कल मन कर 60 कली है एबे ये चार्जटा को मुझे एमती टाणुनि एवं मुझे किसी गोटे आंगेल टाणुच ये भाया है एबे फास्ट कौन थिला एमती थिला एमती टाणु थिले हला एबे कौन किछो आंगेल टाणुच माने यार एक्स भी अछि आ वाई भी अछि ए माने यार माने बुझि पाउछ तो या फास्ट एमती थिला हला 90 एमती एबे आंगेल अछि माने यार कंपोनेंट देखिवो एमती बाहरिवो माने गोटे परपेंडिकुलर भी अछि कंपोनेंट आ गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अछि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटा ताको टाणे चेष्टा करियो कहा उपरे सरफेस रो उपर टाणे चेष्टा करियो माने गोटे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो गोटे कंपोनेंट एक्स रो हला गोटे कंपोनेंट ताको सरफेस उपर टाणे चेष्टा करियो एठी किछ नथला से भेला कारण एठी 90 थला तो यार एठी किछ कंपोनेंट नथला सीधा टाणुची डायरेक्ट किंतु एठी किछ ए वेक्टरटा किछ गोटे आंगल बनाई दीची थीटा तो मैंने यहाँ एक्स कॉस थीटा एटा एक्स साइन थीटा और ई कॉस थीटा ई साइन थीटा ई कॉस थीटाटा या सरफेस उपर टाणे चेस्टा कर जो चार्जटा मूव कर आउ चार्ज मूव कला मैंने कौन हो चार्ज मूव कले आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हलानी चार्ज रेस्ट रहा कि आठ कि गोटे आंगेल इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा मैंने सीता टाणी मैंने एक्स इ एक्सटा ताको टाणुच है देख सरफेस उपर अच्छे बोली से फ्लो कर किंतु ई वाईटा ताको टाणी पारे कहीं परपेंडिकुलर मैंने से बाहर को बिना किसी मीडियम ना ये तो आसपरि कि सरफेस उपर टाणी तेल तो फ्लो कर सरफेस उपर टाणुच तो ये ई एक्स कंपोनेंटा ताको सरफेस उपर टाणुच टी भल बुझे चेस्ट कर दि थर तीन थर या रिपीट कर आराम से बुझा पड़ो है कि वेक्टर जोटा था देख एमती गोटे वेक्टर अच्छी एटा गोटे सरफेस अच्छी ए सरफेस को एमती गोटे वेक्टर अच्छे ई जितने टाणी ताको 90 अच्छी तेने से बाहर को आने चेस्ट कर टाणे ये जो प्लस चार्ज अच्छे टाणे चेस्ट करूँ कि मीडियम ना से आसी पारे है तो नेक्स्ट कौन कली ये मुझे 90 बदल कि गोटे आंगेल करदेली 60 तो ये कौन है ये इलेक्ट्रिक फिल्ड ये इलेक्ट्रिक फिल्ड गोटे एक्स कंपोनेंट है आ गए वाई कंपोनेंट है तो वाई कंपोनेंटा पूरा सरफेस को परपेंडिकुलर तो ये तो यही होगा या टाणी पारे कि मीडियम ना कि एक्स कंपोनेंटा कौन हो सरफेस उपर ड्राग करुच्ची ये चार्जटा को है सरफेस जो चार्ज अच्छे ये सरफेस जो चार्ज अच्छे से चार्जटा को ड्राग कर चेस्ट कर सरफेस उपर ताने से चार्जटा फ्लो कर इलेक्ट्रो डायनामिक्स आमको दरकार इलेक्ट्रो स्टाटिक मानते चार्ज आट रेस्ट रे कौन कौन प्रपर्टी अच्छे से बाहर कर बुझा पड़ी आउ चार्ज इन मोशन होगा जदि जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ाक 90 ना नहीं कि अलग किसी भी नहीं जाए से जहाँ भी सरफेस उपर ताको मूव कर मैंने गोटे एक्स कंपोनेंट आसिकी सरफेस रे मूव करा तुम पचरा हम क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ाक सरफेस को सब परपेंडिकुलर कमे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जदि सरफेस को परपेंडिकुलर ना तेल कौन हो इलेक्ट्रो डायनामिक्स होगा ये क्वेश्चन तुम पचार है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रॉपर्टी थी